शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी। क्या है ये शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी का कंसेप्ट? ये इतना सुपर्ब कंसेप्ट है कि इस कंसेप्ट को अभी के वोलेटाइल मार्केट में, जब मार्केट भयंकर टूट रहा है, प्लस कभी कभी बीच में अचानक से बहुत बढ़ जाता है, हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है मार्केट में, 10% का शार्प करेक्शन, 15%, 7%, 8%, ऐसे करेक्शंस जो हिस्ट्री में रेयरली कभी होते हैं वो हो रहे हैं। इन करेक्शंस के समय पे शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी का कंसेप्ट सबसे सुपर्ब है। इस कंसेप्ट के थ्रू अगले 3 से 3.5 साल में आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इतना पैसा बनेगा कि आप वर्ल्ड टूर पे जा पाओगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन में सबसे पहले आपका एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रेगुलरली मेरे पास आ रहा है वो ये है कि क्या मार्केट और टूटेगा, क्या सेंसेक्स 21,000 चले जाएगा, क्या निफ्टी 6,000 चले जाएगा, क्या है मार्केट का सही लेवल। सबसे पहली बात, क्या मार्केट और टूटेगा? जी हाँ दोस्तों, और टूटेगा। कितना टूटेगा मुझे नहीं पता, कब तक टूटेगा मुझे नहीं पता। क्या 21,000 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर ऐसे सिनेरियो आया, ऐसा क्योर्स हुआ, तो 25,000 भी आ सकता है, 21,000 भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। पर मुझे यह पता है कैसे इस समय में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ हम बना सकते हैं बहुत 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 ज्यादा पैसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन जो होने वाला है शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी के ऊपर। इस कंसेप्ट में, स्ट्रेटेजी में हमें क्या करना है? सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है जिनके पास लमसम एक पूंजी इन्वेस्टमेंट है, वो इस इन्वेस्टमेंट को करना चाह रहे हैं एक साथ मार्केट में, अभी भी मत रख रहे और समझ नहीं आ रहा कि कैसे बढ़ा जाए। सबसे पहली बात, अगर आप इस समय इन्वेस्ट करेंगे इतना पैसा बनेगा, आपके रिटर्न्स 3 साल में डबल पैसा करने के रिटर्न्स बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कैसे किया जाए इन्वेस्ट, उसकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हमारे पास सपोज कीजिए एक कॉर्पस है, कॉर्पस को एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 10 लाख का कॉर्पस है, 10 लाख के कॉर्पस को आप डिवाइड बाई 10 कीजिए, मतलब 1 लाख रुपीज। आपको अगले 10 हफ्तों तक अपने पसंदीदा दिन चूज कर लीजिए, हफ्ते का मंडे ट्यूसडे वेनेसडे कोई सा भी एक दिन चूज कर लीजिए, और इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट अगले 10 हफ्तों तक 1 लाख रुपए पर वीक इन्वेस्ट कीजिए। मतलब आपका 10 लाख का जो अमाउंट था वो अगले 10 हफ्तों में, या 1 करोड़ का अमाउंट था तो वो अगले 10 हफ्तों में, जो भी आपका अमाउंट हो उसको अगले 10 हफ्तों में इन्वेस्ट कर दीजिए। और फिर सेकेंड स्टेप सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 10 हफ्तों में तो पहले हमें इन्वेस्ट करना है पर वीक बेसिस पे, फिर अगले 10 महीनों के लिए अपना मोबाइल फोन। जियो ने आप सभी को फ्री मोबाइल दे दिया है। अब हमारी आदत क्या हो गई, हम सुबह ब्रश बाद में करते हैं, पहले अपना फोन खोलते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा बाजार, क्या मेरा मार्केट और क्या मेरी फंड की वैल्यू बढ़ी या घटी। अगले 10 महीने तक आपको यह चीज को रोकना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है, जब भी इतना बड़ा करेक्शन आता है कंसोलिडेशन के लिए टाइम लगता है। कितना हो सकता है, कई बार 2 महीने में हो जाए, कई बार 6 महीने, कई बार 10 महीने में। मैंने मैक्सिमम तरीके से चूज करते हुए आपको 10 महीने के लिए अपने मोबाइल फोन को रेगुलरली ट्रैक नहीं करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली मोबाइल पे हर दिन नहीं देखना कि क्या हुआ, हर घंटे नहीं देखना क्या हुआ मार्केट। 10 हफ्तों में ब्लास्ट कर दो अपनी एसआईपी को, अपनी एसआईपी को बूस्ट कर दो, अमाउंट को बड़ा बड़ा के डाल दो। 10 लाख है तो 1-1 लाख रुपए अगले 10 हफ्तों में डाल दो, फिर अगले 10 महीने मार्केट को देखना बंद कर दो, और फिर 3 साल बाद इतना पैसा बनेगा कि आप आराम से वर्ल्ड टूर जा पाएंगे। मैं यूजुअली रिटर्न्स को बहुत कंजर्वेटिव बेसिस में बताता हूं, कंजर्वेटिव होते हुए भी अगले 3 साल में आपका पैसा डबल या उससे भी ज्यादा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए अगर मैं कंजर्वेटिव बेसिस पे ये बोल रहा हूं तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। ऐसा रेयरली होता है कि मार्केट में आपको कुछ 30% 40% डिस्काउंट पे लगे। ये तो ईयर एंड सेल है जिसको हमें यूज करना चाहिए। जिनके पास रेगुलर इनकम है, जिनके पास रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, सैलरी है, रेगुलर पैसा आ रहा है, वो एसआईपी बढ़ा सकते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। जब तक वापस से सेंसेक्स बढ़ के 40,000 एसआईपी पे नहीं आ जाता, ये हमने डिस्कस किया था हमारा पूरा लास्ट वीडियो में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे है, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। जब तक आपका सेंसेक्स वापस से 40,000 पे नहीं आ जाता, जिस लेवल से हम छोड़े थे मार्केट को, तब तक हमें हमारी एसआईपी डबल कर देनी है। इफ रिक्वायर्ड हम उस एसआईपी को रोक देंगे 40,000 पे, पर अगर 40,000 सेंसेक्स तक हमने अपनी एसआईपी डबल कर दी। एसआईपी का मेन फायदा क्या होता है, जब मार्केट टूटे आप ज्यादा परचेस करो। इन्वेस्टमेंट ही एक जगह ऐसी है जहां पे हम अटैच होते हैं इमोशनली और लॉजिक को अप्लाई नहीं करते। बिजनेस में क्या करते हैं, जब बढ़ता है हम बेच देते हैं, जब घटता है हम खरीदते हैं। इन्वेस्टमेंट से हम उल्टा करते हैं, हम हमारे सारे लॉजिक्स को साइड में रखते हैं। जब बढ़ता है, जब बड़ी प्राइस होती है, जब हमें रेगुलर बेसिस पे 12% 15% का आपको एसआईपी में रिटर्न आता है, हम और एसआईपी करते हैं। मेरे पास इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाती है, सर 15% रिटर्न आया, सर डबल करो मेरी एसआईपी, और बढ़ाओ मैं और इन्वेस्ट करूंगा। ये गलत है।
जब मार्केट बढ़ रहा है आप अपने गोल्स के लिए ऐसा भी बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जब मार्केट टूट रहा है तब आपको कुछ भी करके SIP को डबल करना होगा। अगर आप इस समय SIP को डबल नहीं करे, इस समय डर गए, इस समय सोचा कि मैं देखूं, ये आज हिस्ट्री बन रही है हमारे सामने। आने वाले 10 साल बाद अपने अपने बच्चों को बताओगे कि वो एक ऐसा समय था जब 2 साल में 3 साल में पैसा डबल हो गया। अब आप इस हिस्ट्री का पार्ट होना चाहते हो या इसको एज ए स्पेक्टेटर बाहर से देखना चाहते हो, आपकी चॉइस है। ऐसी अपॉर्चुनिटी रेयरली कभी आती है, आप समझिए इस बात को, ऐसी अपॉर्चुनिटी रेयरली कभी आती है। या तो आप शॉर्ट ब्लास्ट SIP कीजिए जिसमें अपने कॉर्पस है, आपको कॉर्पस को 10 हफ्तों में डिवाइड कर दीजिए, 10 महीनों तक फिर मार्केट मत देखिए और 3 साल में डबल से भी ज्यादा पैसा लेके जाइए वापस और वर्ल्ड टूर जाइए और मुझे थैंक्स करना, मुझे थैंक यू बोलना मत भूलिएगा अगर आप ये शॉर्ट ब्लास्ट SIP यूज करते हो और पैसा बहुत सारा पैसा कमाते हो। और अगर रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, SIP डबल करो, जब तक कि सेंसेक्स वापस 40,000 नहीं आता था तब तक एटलीस्ट SIP डबल करो। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका आपके पास शायद अगले नेक्स्ट 5 से 7 सालों में तो नहीं आने वाला। 20% की डिस्काउंट सेल, 30%, यही तो समय है जब हमें डरना नहीं है, विश्वास रखो। इक्विटी शेयर मार्केट क्या है? जो इंपेशेंट लोग होते हैं उनसे पैसा लेता है और पेशेंट लोगों पर ट्रांसफर करता है। क्या आपके पास शेयर मार्केट में पेशेंस है, पैसे कमाने का पेशेंस है, क्या विल है? अगर है तो इससे अच्छा टाइम कोई नहीं है। फोकस करिए इस टाइम पे और पैसा कमाइए। एक और हिस्ट्री का डेटा आपको शेयर करता हूं जो शायद आपको SIP डबल करने में और शॉर्ट ब्लास्ट SIP, सुपर्ब कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ब्लास्ट SIP को यूज करने में हेल्प करेगा। हिस्ट्री बताती है 5 साल में अगर आपने एवरेज म्यूचुअल फंड्स भी लिए है, आपने बहुत अच्छे एडवाइजर को यूज किया है, आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। अच्छे एडवाइजर को यूज किया है बहुत बनेंगे, एवरेज भी यूज किया है, एवरेज फंड्स भी चूज कर लिए है, 5 साल में आपका पैसा कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा। रिटर्न्स FD से कम हो सकते हैं, 7 साल में आपके FD के रिटर्न्स हमेशा कम रह जाएंगे और आप ज्यादा रिटर्न ले जाओगे। जी हाँ दोस्तों, 7 साल के टाइम होराइजन में आप FD के रिटर्न्स को हमेशा बीट कर जाओगे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटीज में, और 10 सालों में FD के रिटर्न्स को डबल से 7 गुना आप कर सकते हो। अब आपका पैसा डबल होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा FD के रिटर्न्स के मुकाबले, वो डिपेंड करेगा क्या आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है यूज करी। तो यूज करिए इस अपॉर्चुनिटी को। ऐसे वीडियोस में मैं कई बार यूजुअली इमोशनल हो जाता हूं क्योंकि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है जो मैंने स्टडीज में, जो हमने एक्सपीरियंस में 25 साल से, हम हमारे पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं इन्वेस्टर्स का, पापा इस फील्ड में लगभग 25 साल से मैनेज कर रहे हैं, मैं लास्ट 3-4 साल से मैनेज कर रहा हूं, ऐसा हिस्ट्री में रेयरली कभी देखा गया है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। गिनती की 2-3-4 अपॉर्चुनिटी होती है और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी को हमने आज यूटिलाइज नहीं किया तो हम शायद रिग्रेट करें। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारा मोबाइल हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन पे है। हमारा काम क्या है, हम लोगों के लिए पोर्टफोलियो मैनेज करके देते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, उनके फंड्स मैनेज करते हैं और हम उससे डायरेक्ट फीस कोई चार्ज नहीं करते। जो म्यूचुअल फंड हाउस से कमीशन आता है वही हमारी फीस होती है। तो अगर आप हमसे कोई एडवाइस भी लेना चाहते हो, कोई ओपिनियन भी लेना चाहते हो, तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए और हमसे कनेक्ट कीजिए। अगर ये वीडियो को आपने किसी 3 दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं किया, अगर आपने इसको अपने WhatsApp स्टेटस पे शेयर नहीं किया, तो इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, शॉर्ट ब्लास्ट SIP का कंसेप्ट किसी ना किसी से छूट जाएगा। प्लीज मुझे हेल्प कीजिए और इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए। अगर कोई भी मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहता है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है। वापस समराइज कर देता हूं, सबसे पहले अगर आपकी रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है तो SIP डबल करो एटलीस्ट जब तक सेंसेक्स वापस से 40,000 नहीं आ जाता। अगर आपके पास लमसम पैसा है, शॉर्ट ब्लास्ट SIP को यूज करो, अपने टोटल पैसे को 10 पार्ट में डिवाइड करो, अगले 10 हफ्तों में इन्वेस्ट करो, 10 महीने तक मोबाइल मत देखना और 3 साल में वर्ल्ड टूर करो। जी हाँ दोस्तों, बहुत पैसा बनेगा, ध्यान रखिएगा इन कंसेप्ट को। अगर आप मुझसे कुछ डाउट्स भी पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए सब जगह। अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो प्लीज मुझे टैग करना मत भूलिएगा। यूज करो शॉर्ट ब्लास्ट SIP के कंसेप्ट को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।